करते हैं। तो प्रभात्र जी ने ऐसे बोला था कि राग में दो रूप होते हैं, एक मन में छुपा हुआ राग और राग में छुपा हुआ मन। मन में छुपा हुआ जो राग होता है वो हमें क्रोधित करता है, शरीर को जला देता है, और रागों में छुपा हुआ मन जो होता है वो रिझा देता है। तो ये राग रागिनियाँ इसलिए हमारे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वरी राग है, इतना सुकून है, तो उसका चरण वर्णन पहले हमें बताए। हिंदी फिल्मों में कई सारे गाने हैं जो बागेश्वरी राग में भी निबद्ध है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि यमन चारुकेशी के जैसे। तो बागेश्वरी भी बहुत मीठा राग है, श्रृंगारिक राग है। तो प्रकाश जी ने दो गाने मेरे सामने लाए, जाग दर्द इश्क जाग और नैन सो नैन। तो दोनों भी क्लासिकल राग पर आधारित गाने हैं। और तो हमने सबसे पहले क्या किया कि बागेश्वरी की बहुत प्रैक्टिस की, क्योंकि उसमें जो गांधार निषाद कोमल स्वर लगते हैं। तो मैं थोड़ा आपको चलन अभी बताऊंगी। धनी साग रे साग मध आपने ऐसा रियाज किया है, धनश्री गा रही है, उसके बाद में आपने वो सुरावट पकड़ लिए। देखिए, फिर से अक्सर लोग कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, जैसे नए गीत सीखना चाहिए, मैं पीछे जाते रहा हूँ। क्योंकि जाग दर्द इश्क जाग 1953 की फिल्म है, 70 साल हो गए अनारकली में। और अक्सर क्या होता है कि धनश्री हमेशा कहती है ये गाने कहाँ से लाते हो, तो कई फिल्में ऐसी थी जिनके मेन सॉन्ग बहुत फेमस बने, अलविदा अलविदा ये जिंदगी उसी की, इतना कि उसके पीछे दूसरे गाने दबे गए। तो उनको आगे आने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये गीत इतना बेहतर, हेमंत कुमार की आवाज़, लोग कहते हैं कि हेमंत कुमार इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, अक्सर लोग कहते हैं, और उनमें लता जी ने जो आवाज़ मिला दी है, ये बहुत मुझे पसंद है गीत जाग दर्द इश्क जाग। और दूसरा गीत जो है नैन सो नैन, मैं कोल्हापुर से हूँ और विशांतारम जी का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लोग कहते थे कि ही वॉज सो हैंडसम पीपल से वाइडंट यू एक्ट, ही वॉज गुड बिहाइंड द कैमरा। और उनकी एक खासियत ये थी कि एक का संगीत वसंत देसाई ने दिया और दूसरे ने सी रामचंद्र, इन मराठी लोगों ने संगीत दिया था और खुशी हो गई मुझको। और सी रामचंद्र की एक और एक खासियत ये कि वो पहले शायद म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने अपना पहला नाम मोर पॉपुलर किया, सी रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र चितलकर। क्या बेहतरीन संगीत दिया, और इसमें एक दो अलाप्स भी है दोनों गीतों में, वो मुझको धनश की आवाज़ में सुननी थी। मेरी तो क्या, मैं देखिए मुकेश और हेमंत कुमार जब गाते हैं ना बहुत सीधे ढंग से गाते हैं, और चैलेंज तो लता जी के ऊपर ही था। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं, सिर्फ वो गीत गाया और धनश अपनी आवाज़ लेके आलाप दे के इस गीत में धनश ने यही रंग डाल दिया। इसके आगे मैं क्या कह दूँ? नाम जो धनश्री है तो वो गाती है तो हम धनवान बनते हैं, है ना। धनश्री को मैं कभी कभी क्विज करता हूँ कि मैंने धनश्री को कहा कि लता जी जब खुद गाने लगी 6 साल की थी तो पहला राग धनश्री लता जी के मुंह से जो निकला वो कौन सा था, धनश्री कहा मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा राग धनश्री ही था। वाह वाह, पुरिया धनश्री, पुरिया धनश्री राग में लता की जिंदगी शुरू हो गई। क्या बात है, चलो आइए सुनते हैं, देखते हैं। जनक जनक पायल बजे अनारकली, श्री रामचंद्र वसंत देसाई, बैक टू बैक दो गाने।